नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। यह है ऑटो कैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 61। इस वीडियो में हम इस डायग्राम को बनाएंगे ऑटो कैड में। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी इमेज फाइल आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम को एनालाइज़ करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो यहाँ पर हम इस सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे, सेंटर के साथ, और यहाँ से हम रेफरेंस लेंगे एंगुलर लाइन्स का और यहाँ पे सर्कल्स प्लेस करेंगे। और यहाँ पर भी एक एंगुलर लाइन है बॉटम की तरफ, तो वहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जहाँ से आउटर एजेस है उन्हें भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सर्कल कमांड सी एंटर और अप्रोक्सीमेट कहीं पे भी हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर डायमीटर मेंशन करेंगे 36 मिलीमीटर, एंटर। अब हमें यहाँ पे एक स्क्वायर चाहिए एज अ रेक्टेंगल, लेते हैं REC, लेते हैं डायमेंशन 12, एंटर 12। विड्थ और लेंथ इसकी सिमिलर रहेगी। इसे हम मूव करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट से और इसे प्लेस करेंगे सर्कल की सेंटर में। अब इसे रोटेट करते हैं सेम ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट से और यहाँ पे डिग्री मेंशन करेंगे 45। अब हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इंक्लाइन लाइन, जो स्ट्रेट वर्टिकल एक्सिस में 45 डिग्री में हो या फिर हॉरिजॉन्टल में 45 डिग्री में हो। तो लेते हैं लाइन कमांड एल एंटर और स्टार्ट करेंगे सर्कल के सेंटर पॉइंट से। और यहाँ पे हमें टैप की को प्रेस करना है तो हमारा डायमेंशन जो है वो डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। अब लेते हैं 45 यूनिट डिग्री और करेंगे एंटर। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी देखिए 47 की डिग्री चाहिए, तो लेते हैं एल कमांड और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जीरो एक्सिस स्टार्ट होता है, यहाँ तक 90 और यहाँ से 47, दैट्स मीन ये टोटल डिग्री जो है वो 137 हो जाएगी। टैप की को प्रेस करेंगे और 137 डिग्री का डायमेंशन यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो एक आर्क बनी है एज ए सेंटर लाइन की आर्क, उसकी रेडियस है 50। तो सर्कल कमांड लेते हैं और सेम सेंटर के साथ यहाँ पे रेडियस 50 का एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए रेडियस 12 और डाया 12 के दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो लेते हैं सर्कल कमांड और यहाँ पे फर्स्ट रेडियस 12 का सर्कल, देन सेम सेंटर के साथ डायामीटर 12 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इन दो सर्कल को हमें कॉपी करना है सेंटर पॉइंट के साथ और प्लेस करना है यहाँ पर। अब हमें एक आउटर आर्क निकालनी है जो इंटरसेक्ट करेंगे इस एक्सिस को इस सर्कल के साथ। तो लेते हैं सर्कल कमांड और सेंटर के साथ हमें यहाँ पे इसे प्लेस करना है। अब हमें एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एज एक्सिस, मेक श्योर ऑर्थोमोड अपना ऑन हो। और यहाँ पर भी रेडियस 6 मीन्स डायमीटर 12 का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है और उसके क्वाड्रेंट पॉइंट से हमें यहाँ पे अपसाइड में दो लाइंस ड्रॉ करनी है कुछ इस प्रकार से। अब अनवांटेड एंटिटीज जो है सर्कल के लिए और यहाँ पे इस स्लॉट के लिए, तो हम यहाँ से इसे ट्रिम कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है इस सर्कल और इस सर्कल के लिए। सिमिलरली इस सर्कल में भी यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो लेते हैं लाइन टूल और टेंजेंट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे टेंजेंट स्नैप TAN करके टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। फर्स्ट टेंजेंट हमारा इस सर्कल के लिए, सेकेंड टेंजेंट पॉइंट हमारा इस सर्कल के लिए बनेगा। सिमिलरली फिर एक बार लेते हैं लाइन टूल और इस बार टेंजेंट स्नैप इस सर्कल के लिए, अगेन टेंजेंट स्नैप इस सर्कल के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। कमांड को स्किप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारी लाइन्स यहाँ पे बनेगी। ट्रिम कर लेते हैं
इस सर्कल को। अब हमें यहाँ पे देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक 30 डिग्री में इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक रेडियस निकालनी है 70। तो लेते हैं लाइन टूल और इस सेंटर के साथ अब हम प्रेस करेंगे टैब की और यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे -30 और कर देंगे एंटर। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पे है तो यहाँ से अगर प्लस वैल्यू में डालते हैं डिग्री की तो वो बन जाएगा काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अगर माइनस में वैल्यू डालेंगे तो क्लॉक डायरेक्शन में अपनी लाइन रोटेट होगी। और यहाँ पे लेंगे सर्कल CEN स्नैप चाहिए ये वाला सेंटर पॉइंट और यहाँ से हमें 70 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है और ये हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे हमें रेडियस 12 का एक सर्कल एंटर और इसके अंदर सेम सेंटर के साथ डायामीटर 16 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। अब सिमिलरली वही कंडीशन है इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए हमें यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है दोनों तरफ। लेते लाइन टूल और टेंजेंट स्नैप के लिए फर्स्ट टेंजेंट यहाँ पे, देन फिर एक बार टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल के लिए। आप चाहिए तो इसे मिरर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस एक्सिस को हम डायरेक्ट के लिए यहाँ पे मिरर कर देंगे। लेते ब्रेक टूल और यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं और अनवांटेड एंटिटीज को डिलीट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए रेडी सेट की फिलेट निकालनी है। लेते फिलेट टूल एफ एंटर आर एंटर फॉर रेडियस और रेडियस वैल्यू देंगे 8 मिलीमीटर एंटर और इन दो लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब लेते ट्रिम टूल और यहाँ से सर्कल्स को जो है हम ट्रिम कर देंगे। केयरफुल एंटिटीज को ट्रिम कीजिए कुछ इस प्रकार से। कमांड को स्किप कर देंगे। अब लेते हैं सेंटर मार्क CM, यहाँ पे सेंटर मार्क मेंशन कर देंगे। सेंटर मार्क के लिए हम यहाँ पे कलर देते हैं इससे रेड कलर और इसकी लाइन टैप एंटिटी जो है उसे थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 5 के साथ जो सूटेबल अपने डायग्राम को लगे। फिर इसे मैच कर देंगे जो हमें सेंटर लाइंस रिक्वायर्ड है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे हमें इस एंटिटी को ट्रिम करना है इस प्रकार से। तो हमारा लाइन वर्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो आउटर बाउंड्रीज है जो मेन लाइंस है उसे हम सिलेक्ट करके इसकी यहाँ पे थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि ये आउटलाइन थोड़ी थिक दिखे डायग्राम की सेंटर लाइन और डायमेंशन से। तो यहाँ से हम इसका लाइन वेट बढ़ा देते हैं 0.30 के लिए। अब देते हैं डायमेंशंस 1 by 1। सबसे पहले लेते हैं डायमेंशन रेडियस के लिए, तो यहाँ पे है 50। रिपीटेड कमांड रेडियस 6, यहाँ पे रेडियस 12, यहाँ पर भी रेडियस 12 है, रेडियस 8, यहाँ पे रेडियस 12 और यहाँ पे रेडियस 70। अब देते हैं डायमेंशन डायामीटर, यहाँ पे 12 डाया, सिमिलरली यहाँ पे 12 डाया, सिमिलरली यहाँ पर भी 36 डाया और यहाँ पे डाया 60। अब देते हैं डायमेंशन अलाइन, एंटर करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे विड्थ को ही यहाँ पे डायमेंशन देंगे। डायमेंशन को एडिट करने के लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे डायमेंशन को और इसके आगे हम SQ करके
डॉट टाइप कर देंगे तो ये माना जाएगा कि पूरा स्क्वायर है। अब देते हैं डायमेंशन एंगुलर बिटवीन दिस वर्टिकल एंड इंक्लाइन लाइन, एंगल है हमारा 47, रिपीटेड एंगुलर डायमेंशन और यहाँ पे है 45, रिपीटेड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस बॉटम इंक्लाइन लाइन, दिस डायमेंशन शुड बी 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। मेक श्योर कि हमने सारे डायमेंशन से यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी स्टेप या किसी कमांड को लेके डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।